मंगलवार को दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में महाराष्ट्र एनडीए की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को लेकर एक अहम बात कही। पीएम मोदी ने कहा, शरद पवार में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता थी, लेकिन कांग्रेस ने वंशवाद की राजनीति के चलते ऐसा नहीं होने दिया। पीएम मोदी की यह टिप्पणी खास इसलिए है क्योंकि पिछले महीने ही एनसीपी में बगावत हुई है। 2 जुलाई को अजीत पवार और पार्टी के 8 अन्य विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। इसी महीने की शुरुआत में शरद पवार ने पुणे में तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में पीएम मोदी के साथ मंच भी साझा किया था। ऐसे में पीएम मोदी की टिप्पणी सियासी हलचल पैदा कर रही है। इसके अलावा पीएम मोदी ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन नहीं तोड़ा, बिना किसी कारण के विवाद पैदा किया गया, लेकिन हमने सहन किया, हमने इसे हल्के में ले लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक तरफ आप सत्ता में भी रहना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप आलोचना भी करना चाहते हैं, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।